हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द केक्स डिलाइट। यहाँ पर हम आज सीखेंगे चॉकलेट माइक्रोवेव में मेल्ट कैसे होती है। इसके लिए हमें डार्क कंपाउंड चाहिए, ये कहीं भी आसानी से सुपरमार्केट में मिल जाता है। इसी तरह कई और फ्लेवर्स की भी मार्केट में चॉकलेट्स अवेलेबल है, आप अपनी इच्छा से कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। इसको मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है, अब इसको हम माइक्रोवेव करेंगे। इसे प्रॉपर तरीके से गरम करना हमें आना चाहिए, अगर ये इसे हम कम गरम करते हैं तो ये मेल्ट नहीं हो पाएगी अच्छे से, और इसे हम ओवर हीट कर देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और वो चॉकलेट हमारे किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो चलिए हम इसे मेल्ट करके देखते हैं। ये माइक्रोवेव हमने ऑन करके रख लिया है, इसके अंदर हम इसे 25-30 सेकेंड के लिए गर्म करेंगे। ये देखिए 30 सेकेंड हो गए हैं। 30 सेकेंड के बाद भी इसमें वैसे के वैसे ही लगती है, लेकिन ये इसे हम स्पून से मिक्स करेंगे। ये देखिए, आपको लग रहा है कि ये नहीं हुई है और आप टाइम बढ़ाते जाओगे, लेकिन आपको टाइम नहीं बढ़ाना। इसमें इतनी हीट रहती है कि ये ऑटोमेटिक आपके घुमाने से मेल्ट हो जाएगी। देखिए अच्छे से मेल्ट हो गई है हमारी चॉकलेट। अब हमारी चॉकलेट रेडी है, अब हम इसे किसी भी यूज में ले सकते हैं। चाहे हम इसे पिनाटा केक बना सकते हैं, चाहे चोको चिप्स बना सकते हैं, या केक का डेकोरेशन कर सकते हैं चॉकलेट्स बना बना के अलग अलग। तो ये हमारी चॉकलेट रेडी है, और आपको मेरी ये टेक्निक पसंद आई है, और ऐसी और टेक्निक जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।